हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्राइवेसी में क्लिक करना है। जैसे ही आप प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए सबसे नीचे जाना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा फिंगरप्रिंट लॉक, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको ये डिसेबल मिलेगा तो इसको यहाँ से आपको इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना फिंगर लगाना होगा। फिंगर लगाने के बाद यहाँ पे आप सेटिंग्स में आप देख लीजिए कि ऑटोमेटिक तुरंत इमीडिएटली लॉक लगाना चाहते हैं या फिर आफ्टर 1 मिनट ही बंद करने के बाद 1 मिनट बाद लॉक लगे या फिर आफ्टर 30 मिनट या फिर आप 30 मिनट के बाद। तो यहाँ पर मैं इमीडिएटली पे ही टिक मार्क रहने देता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ कि मेरा लॉक लगा है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप बंद कर दिया। उसके बाद मैं व्हाट्सएप फिर से ओपन कर रहा हूँ। इसे मैंने ओपन किया तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक यहाँ पे आ गया। तो मैं यहाँ पे अपना फिंगर लगाऊँगा तो मेरा जो है व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।